अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुदस्सिर अहमद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एम ए फॉर मैथ्स। हमने जैसे चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर लिया था, कोर्स कोड 5514-1429 का, तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इनइक्वालिटी। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज इनइक्वालिटी एंड देयर सॉल्यूशंस, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द इनइक्वालिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। इनइक्वालिटी, सबसे पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं। इनइक्वालिटीज आर द कंडीशंस इन विच टू क्वांटिटीज आर नॉट इक्वल। इनइक्वालिटी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें दो क्वांटिटी इक्वल नहीं होती। जैसे हमें पता है कि इक्वल के लिए हम ये वाला साइन यूज करते थे, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इनइक्वालिटी के लिए या नॉट इक्वल के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं। नॉट इक्वल में ये होगा, छोटा भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है, तो आमतौर पर दो साइन यूज करते हैं। ये इसको हम लेस देन के लिए यूज करते हैं, यानी कि वन लेस देन है टू से, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टू ग्रेटर देन है वन से। जिस तरफ ये, तो यानी कि ये जब इस तरह की जो कंडीशंस होंगी उन्हें हम क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी। हम इसकी कुछ टाइप्स डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज, इसकी 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी, नंबर 2 है कंडीशनल, और नंबर 3 है डबल इनइक्वालिटी। सबसे पहले हम एब्सोल्यूट के बारे में पढ़ते हैं। एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी ऐसी इनइक्वालिटी होती है जैसे 30 लेस देन है 100 से, तो ये एब्सोल्यूट है, इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। तो इस तरह की यानी कि कॉन्स्टेंट में इनइक्वालिटी जो होती है वो क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी। और नंबर 2 है कंडीशनल इनइक्वालिटी। कंडीशनल इनइक्वालिटी में क्या होता है कि वेरिएबल यूज हो रहे थे, फॉर एग्जाम्पल 2x लेस देन है 10 से, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड 2 से डिवाइड करेंगे, तो एक्स का जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 5। यानी कि ये जो इनइक्वालिटी है 2x लेस देन 10 वाली, ये सिर्फ उस सूरत में यानी कि वेरीफाई करेगी जब हमारी x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 5 होगी। 5 से लेस क्या होगा, 4, 3, 2, 1, इस तरह की वैल्यू 0। हम इस तरह की वैल्यू कोई भी पुट करें तो ये जो कंडीशन हो जाएगी सेटिस्फाई हो जाएगी, कंडीशनल इनइक्वालिटी। नंबर 3 पर है डबल इनइक्वालिटी। डबल इनइक्वालिटी में हम इस तरह से करते हैं कि डबल इनइक्वालिटी का साइन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 25, तो इसमें डबल इनइक्वालिटी यूज हुई है। तो इस तरह की यानी कि इनइक्वालिटी को क्या नेम दिया है, डबल इनइक्वालिटी। अब हम पढ़ते हैं इंटरवल नोटेशन। इंटरवल नोटेशन क्या होता है, इंटरवल नाम से ही जाहिर होता है कि इंटरवल किसी भी बड़ी चीज में से उसका कोई छोटा टुकड़ा अगर निकाल लें तो वो उसका क्या कहलाता है, इंटरवल। फॉर एग्जांपल ये एक बड़ी लाइन है या नंबर लाइन है, ये 100 है और ये है 100, इसको कर लेते हैं हम माइनस का 100 और इसको कर लेते हैं प्लस का 100। हमें इसके दरमियान वाले नंबर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल -5 से 25 तक, तो ये जो इसका पोर्शन खिलाएगा रेड कलर का, जो अभी मैं कर रहा हूँ, ये जो पोर्शन खिलाएगा ये इसका क्या खिलाएगा, इंटरवल। तो इंटरवल समझ आ गया होगा, किसी भी बड़े पोर्शन में से स्मॉल जो पोर्शन लेता है उसको इंटरवल कहते हैं। और इसका डोनेट कैसे करते हैं मैथमेटिकली, वो अभी मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। लेट एक्स बी अ सेट ऑफ रियल नंबर लाई बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। अभी ए एंड बी मैंने बताया था कि जैसे मैंने लिया था 100, माइनस का 100 और प्लस का 100, उसमें से कोई दो नंबर लिए थे, कौन कौन से, -5 एंड 25। तो ये जो दो नंबर हैं ये हमारा क्या खिलाएगा, इंटरवल खिलाएगा एक बड़े सारे नंबर लाइन में से, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ए कोमा बी, ए एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। ये सिर्फ ओपन इंटरवल के लिए थे। मजीद हम इसकी 4 यानी कि मेथड होता है इसको रिप्रेजेंट करने के, अभी वो मैं समझाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे फर्स्ट जो तरीकाकार होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इंटरवल है यानी कि 2 से 5 ओपन है। अच्छा, अब जब भी ये छोटी ब्रैकेट यूज होती है तो इसको हम कहते हैं ओपन ब्रैकेट या ओपन इंटरवल कहते हैं। ओपन इंटरवल में ये होता है कि जब छोटी ब्रैकेट यूज होती है तो ये नंबर काउंट नहीं होंगे, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, ना ये नंबर लिखा जाएगा ना ये, इसके दरमियान में जो भी नंबर होंगे, दरमियान में कौन सा है, 3 एंड 4 है, तो यानी कि ये वाला सेट बन जाएगा। तो जो इंटरवल नोटेशन होता है यानी कि वो सेट होता है किसी भी
यानी कि इंटरवल का, तो 2.5 का जो नंबर बनेगा 3.4 बन जाएगा। तो इसी तरह यहाँ देखिए एग्जांपल में इधर सोल्व हुई है, 2.5 है, ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल के लिए हमेशा छोटी ब्रैकेट यूज करते हैं, तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 3.4। सेम एज इट इज अगर हम क्लोज इंटरवल की बात करें तो क्लोज इंटरवल को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में, कौन सी ब्रैकेट में, इस वाली ब्रैकेट में, और 2.5। तो स्क्वायर ब्रैकेट की ये होता है कि क्लोज में, क्लोज इंटरवल में ये होता है कि इसमें फर्स्ट और लास्ट नंबर भी शामिल होता है। अभी हमने डिस्कस किया था जैसे ओपन इंटरवल में फर्स्ट एंड लास्ट नंबर यानी कि जो नंबर होता है वो इंक्लूड नहीं होते, तो इसीलिए आंसर बना था 3.4। अब अगर हम इसके में बात करें तो 2 और 5 भी शामिल कर दें इसके अंदर, तो हमारा जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये इस तरह से काम होता है। तो यानी कि ये क्लोज इंटरवल का जो आंसर बनेगा, देखें 2, 3, 4, 5। अब ये समझ आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट इसकी टाइप करते हैं, और वो टाइप है हाफ क्लोज इंटरवल। इसमें ये होता है कि हाफ क्लोज होता है, हाफ ओपन होता है। हाफ क्लोज में क्या होता है कि पहली जो ब्रैकेट आएगी वो क्या आएगी, ओपन इंटरवल की, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाफ क्लोज। तो हाफ क्लोज में क्या होता है, यानी कि जो पहली ब्रैकेट वाला होगा, यानी कि 2 के साथ कौन सी ब्रैकेट है, ये वाली ब्रैकेट है, इसका मतलब है 2 शामिल नहीं होगा, और 5 के साथ बड़ी वाली ब्रैकेट है, तो इसका मतलब है 5 शामिल होगा। तो इसका जो सेट बनेगा, यानी कि जो नंबर का सेट बनेगा वो क्या बन जाएगा हमारा, अगर मैं इसको लिखूँ तो इस तरह से बनेगा, यानी कि सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, तो 2 तो शामिल नहीं होगा, तो आंसर बनेगा 3, 4 एंड 5। तो ये एक हाफ क्लोज्ड हो गया। इसी तरह अगर हम हाफ ओपन की बात करें तो हाफ ओपन में क्या होगा, यानी कि 2.5 वो इस तरह से होगा, यानी कि अभी इसमें देखिए 2 के साथ कौन सी ब्रैकेट है, ये वाली ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, तो यानी कि 2 तो शामिल होगा, लेकिन 5 के साथ स्मॉल ब्रैकेट है ये वाली, तो 5 शामिल नहीं होगा, तो आंसर क्या बनेगा, आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 4। तो यानी कि इस तरह से हम इंटरवल नोटेशन को डोनेट करते हैं, तो आंसर ये हो जाएगा। चलें अब हम करते हैं नेक्स्ट, अब हम इनइक्वालिटीज को सोल्व करते हैं और उसका आंसर जो है इंटरवल नोटेशन में डिनोट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल है, 2x-5 > 7। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लिया है। अब देखें 2x-5 है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 5 ऐड कर देंगे, तो 2x-5 + 5 > 7 7 + 5, दोनों तरफ 5 ऐड हो गया, ये माइनस का 5, ये प्लस का 5 कैंसिल, ठीक है, ये माइनस 5, ये प्लस 5 कैंसिल हो गया। अब हम इसको कर लेते हैं 2x > 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12, तो ये 12 हो गया। अब हमने क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, ये भी 2 से डिवाइड, ये भी 2 से डिवाइड, ये 2 2 से कैंसिल, एंड x > 6, ठीक है। अब इस आंसर को हमने क्या से लिखना है, इंटरवल नोटेशन में लिखना है, यानी कि ऐसे नंबर जो 6 से ग्रेटर हो और 6 भी शामिल हो। जब 6 शामिल होगा तो हम क्या करेंगे, ये वाली ब्रैकेट यूज करेंगे, अगर 6 शामिल नहीं करना होता तो हम ये वाली छोटी ब्रैकेट यूज करते हैं। और 6 से ग्रेटर कौन से नंबर है, 7, 8, 9, 10, ये तो इतने यानी कि अनकाउंटेड नंबर हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि हम इंटरवल नोटेशन यूज करते हैं, तो हम कहाँ तक जा रहे हैं हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहा है, तो इसलिए हमने इन्फिनिटी लिखा और छोटी ब्रैकेट लिख दी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अ कंपनी मैन्युफैक्चर दैट शूज हैज अ यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ $30। एक कंपनी है जो शूज बनाती है, तो उसका जो प्राइस है वो है $30, एंड उसकी जो कॉस्ट आती है बनाने पर, शूज बनाने पर, वो है $25। और एक इफ फिक्स कॉस्ट आर $7 लाख, यानी कि अगर इसकी फिक्स कॉस्ट कितनी हो, $7 लाख, तो आप उसे बताएं कि उस कंपनी को प्रॉफिट में जाने के लिए कितने यानी कि शूज बेचने होंगे। तो चलें अब हम इसको समझाता हूँ कि इस तरह से इसको हैंडल करना है। सबसे पहले हम फर्ज कर लेंगे या एज्यूम कर लें, हमारे पास जो यूनिट है यानी कि जो भी शूज सेल हो रहे हैं उसको एक्स का नेम दे देंगे। किसका नेम दे देंगे, एक्स का नेम दे देंगे, ठीक है। इस तरह से लिख लेता हूँ एक्स, जो उसका यानी कि रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू यानी कि जो उसके पैसे आएंगे, तो वो क्या होगा, यानी कि जितने शूज वो सेल करेगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 से, क्योंकि $30 का एक यानी के शूज़ का पेयर है। तो उसको अगर हम करें तो
$30 से, तो यानी कि उसका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा वो कितना होगा, 30x के जितने भी पेयर उसके सेल होंगे उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो 30x हो जाएगा। इसके बाद है यानी कि उसकी कॉस्ट, अब टोटल कॉस्ट कितनी होगी उसकी, तो टोटल कॉस्ट कितनी है, एक यानी कि शूज तैयार करने की, एक शूज तैयार करने की $25 है और $7 लाख फिक्स है। अच्छा फिक्स कॉस्ट वो होती है जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हो गई, लेबर को जो देना होता है वो हो गया, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, फिक्स कॉस्ट में डाल देता है। कोई भी कंपनी होती है उसको फिक्स कॉस्ट कर लेती है, बाकी जो भी प्रोडक्ट तैयार करती है उसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, जैसे $25 ये ऊपर नीचे होती रहती है। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, यानी कि 25x प्लस $7 लाख, ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा ये। अब हमने ये कहा है कि उन इस कंपनी को कम से कम कितने एटलीस्ट लीस्ट नंबर ऑफ यूनिट, यानी कि उसको कितने शूज सेल करने होंगे कि वो कंपनी प्रॉफिट जनरेट करने लग जाए। तो उसके लिए हमें क्या होगा कि जाहिर है जब रेवेन्यू ग्रेटर होगा किससे, कॉस्ट से, तो तब कंपनी जाएगी प्रॉफिट में, यानी कि अगर रेवेन्यू ज्यादा होगा और कॉस्ट कम होगी तो तब कंपनी क्या हो जाएगी, प्रॉफिट में चली जाएगी। तो हमें ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा, यानी कि टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, टोटल कॉस्ट से। तो टोटल रेवेन्यू की जो इक्वेशन यानी कि बनी है वो ये बनी है, और टोटल कॉस्ट की ये बनी, टोटल रेवेन्यू की ये बन गई और एंड कॉस्ट की ये। चलें अब टोटल रेवेन्यू को ग्रेटर देन होना चाहिए था किससे, टोटल रेवेन्यू यानी कि हमारा टोटल रेवेन्यू है 30x, ग्रेटर देन होना चाहिए था किससे, 25x प्लस 7 लाख। 25x को इधर ले आए तो 25x इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 30x माइनस 25x ग्रेटर देन 7 लाख, और 35x में से 25x गया तो जस्ट रह गया 5x ग्रेटर देन 7 लाख। दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दें, यहाँ भी 5 से डिवाइड करें और यहाँ भी 5 से डिवाइड कर दें, तो हमारा जो आंसर बनेगा ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये 5 और 5 कैंसिल, और ये 5 को जब 7 लाख से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1,40,000, यानी कि एक्स की जो वैल्यू बनेगी, एक्स इज ग्रेटर देन होना चाहिए 1,40,000। अच्छा 1,40,000 अभी हमने अभी अज्यूम क्या किया था, हमारे जो यूनिट सोल्ड है वो एक्स है, यानी कि अगर कंपनी 1,40,000 शूज सेल कर पाती है या उससे ज्यादा सेल करेगी तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, अदरवाइज कंपनी क्या रहेगी, लॉस में रहेगी। उम्मीद करता हूँ ये एग्जांपल भी आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल है सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। अब देखें जो हमारे पास इनइक्वालिटी है वो क्या है, क्वाड्रेटिक है, यानी कि सेकंड डिग्री है। तो चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, ये क्वेश्चन आ गया। अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इक्वल लिख लेंगे, पहले ना इक्वल की फॉर्म में लिख लेंगे। ये देखिए हमने इक्वल की फॉर्म में लिख लिया, पहले क्या था इनइक्वालिटी थी, हमने इसको इक्वल की फॉर्म में लिख लिया सोल्व करने के लिए, ताकि हमें पता चल जाए कि सोल्व कैसे करना है। अच्छा अब यहाँ देख लें क्वेश्चन को, पहले समझ लें क्वेश्चन ये है कि हमने ऐसे नंबर एक्स के मालूम करना है जो क्या हो, लेस देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो या लेस देन 0, ठीक है, ऐसे नंबर्स फाइंड करना है जो लेस देन 0 हो या 0 के इक्वल। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड होते हैं, और तीनों मेथड मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था, अगर आपने प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आई बटन में उसका लिंक है वो जरूर देखें। अच्छा अभी जो इस क्वेश्चन में मैं मेथड यूज करने जा रहा हूँ वो है फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो मिडल टर्म होती है उसको ब्रेक करना होता है, ऐसे ब्रेक करें कि जो प्रोडक्ट बने फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट एंड और इसका यानी कि प्रोडक्ट सेम आए, और अगर इन दोनों को प्लस या माइनस करें तो मिडल टर्म बने, ठीक है। अब अगर हम मिडल टर्म को दोनों मिडल टर्म यानी कि 6x और 2x को मल्टीप्लाई करें तो 12x ही बनेगा, और फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो वो भी 12x स्क्वायर बनेगा, दोनों माइनस के बनेंगे क्योंकि माइनस है 2 के साथ और माइनस है 12 के साथ भी, और अगर हमें मिडल टर्म को ऐड करें तो क्या बनेगा, 4x ही बनेगा। तो इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन सही हो रही है। फर्स्ट टू टर्म्स लास्ट टू टर्म में से हमने क्या लेना होता है, कॉमन लेना होता है। तो अगर हम इधर गौर करें तो इधर फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आएगा, एक्स, एंड लास्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, -2। तो हमने इसी तरह क्या, एक्स और -2 कॉमन ले लिया। अब अगर हम दोबारा गौर करें तो इन दो टर्म में से दोबारा से क्या कॉमन आ रहा है, x+6, तो x+6 अगेन कॉमन ले लेंगे, x+6 अगेन कॉमन लें, तो हमारे पास क्या रह जाएगा,
फर्स्ट टर्म से सिर्फ क्या बचेगा एक्स, एंड सेकंड टर्म से बचेगा माइनस टू। ये देखिए एक्स एंड माइनस टू। अब अगर हम इसका सॉल्व करें तो इसको अब इनइक्वालिटी में लिख लेते हैं। इनइक्वालिटी में लिखे तो ये इसी तरह से बनेगा जैसा क्वेश्चन था, इसी तरह से था ना, हमने जस्ट इसका क्या किया फैक्टर बना लिया इस वाले टर्म की, तो ये फैक्टर बन गया। अगर एक्स के आंसर निकालें तो एक्स का आंसर क्या बनेगा, एक्स प्लस सिक्स इजिकल टू जीरो, एक्स माइनस टू जीरो। तो अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो एक्स का आंसर आ रहा है माइनस सिक्स एंड माइनस एक्स इजिकल टू ट्वेल्व। हमने हमें ये तो पता चल गया कि जो माइनस सिक्स और माइनस ट्वेल्व अगर हम पुट करते हैं तो आंसर आ रहा है जीरो। लेकिन हमें ऐसे नंबर और मालूम करना है कि जिसपे हमारा जो आंसर आए वो लेस देन जीरो भी आए, क्योंकि ये इनइक्वालिटी। तो वो समझाने के लिए मैं एक नंबर लाइन ड्रा करता हूँ। पहले ये हमारी एक नंबर लाइन है और ये जो स्टार्टिंग में हमारा जो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल इसको हम कह लेते हैं माइनस की इन्फिनिटी, और जो माइनस सिक्स है इसको हम कह लेते हैं इधर लाई कर रहे फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं इधर डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है। और माइनस टू को सॉरी टू को इधर डिनोट कर लेता हूँ, जो प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी है उसको इधर डिनोट कर लेते हैं एंड पर, ठीक हो गया। तो हमारे पास देखें तीन तीन इंटरवल बन गया, फर्स्ट इंटरवल सेकंड थर्ड। अब हम क्या करेंगे वन बाई वन तीनों इंटरवल को चेक करेंगे कि इधर कौन सी कंडीशन में ये हमारा जो ये कंडीशन क्वेश्चन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बनता है एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस ट्वेल्व। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट इंटरवल की। तो फर्स्ट इंटरवल को अगर हम गौर से देखें, ये वाला इंटरवल है, तो इसके अंदर जो नंबर लाई करेंगे वो कौन से है माइनस इन्फिनिटी से कौन से है माइनस सिक्स। अब देखिए मैंने छोटी ब्रैकेट यूज़ की है, तो जैसे पहले भी बताया था कि छोटी ब्रैकेट तब यूज होती है जब क्या हो ये दोनों नंबर शामिल ना हो, क्योंकि हमें पता है माइनस सिक्स पे तो जीरो है, हमने ऐसे नंबर मालूम करना है जो लेस देन जीरो, ठीक है। तो माइनस सिक्स शामिल नहीं कर रहे अभी, तो माइनस सिक्स से माइनस इन्फिनिटी के दरमियान कौन से नंबर होंगे, यानी कि माइनस सिक्स के बाद क्या आएगा माइनस सेवन, फिर कौन सा आएगा माइनस एट, और इसी तरह ये सो ऑन करते करते क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो अब मैं इस तरह करता हूँ कि ये जो हमारा पूरा इंटरवल है, ये वाला इंटरवल इसको कर लेते हैं रेड कलर से, ये जो इंटरवल है इसको हम क्या कर लेते हैं माइनस सेवन ले लेते हैं इसका नंबर। जब माइनस सेवन इसमें पुट करेंगे इस यानी कि इनइक्वालिटी में, इस इनइक्वालिटी में, तो हमें आंसर अब माइनस सेवन का स्क्वायर लें प्लस फोर इंटू माइनस सेवन माइनस ट्वेल्व। तो सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो सिंपलीफाई जब हम इसको करेंगे तो माइनस सेवन स्क्वायर फोर्टी नाइन, माइनस सेवन टाइम फोर कितना हो जाएगा माइनस ट्वेंटी एट एंड माइनस ट्वेल्व। तो इसको सिंपलीफाई करने पर टू माइनस ट्वेंटी एट एंड माइनस ट्वेल्व क्या हो जाएगा माइनस का फोर्टी, तो फोर्टी नाइन माइनस फोर्टी तो रिमेनिंग रहेगा नाइन। अब ये कितना होना चाहिए था यानी कि लेस देन एंड इक्वल टू ज़ीरो, तो इसको अगर हम देखें तो ये लेस देन एंड इक्वल टू ज़ीरो है तो ये नहीं है, तो इसका मतलब है हमारा जो फर्स्ट इंटरवल है, फर्स्ट इंटरवल ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि नाइन जो होता है वो ग्रेटर होता है ज़ीरो से, इधर जो हमारा आंसर आ रहा है वो लेस आ रहा है। इसको रेस कर देते हैं। बात करते हैं सेकंड इंटरवल की। अगर हम सेकंड इंटरवल को देखें, सेकंड इंटरवल में कौन से नंबर आएंगे सिक्स माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन ज़ीरो वन एंड टू तो शामिल नहीं होगा छोटी ब्रैकेट, तो हम फर्ज करें इसमें से कोई भी नंबर ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम जीरो लें, ज़रूरी नहीं है कि एक लें, लेकिन मैं नॉर्मली क्या ले लेता हूँ जीरो ले लेता हूँ। अगर इसके दरमियान में अगर हम जीरो पुट करें एक्स की जगह जीरो पुट करें तो जीरो स्क्वायर जमा फोर, और एक्स की जगह जीरो पुट करें तो जीरो माइनस ट्वेल्व लेस देन एंड इक्वल टू क्या होना चाहिए जीरो, तो ये तो सब जीरो हो जाएंगे माइनस ट्वेल्व लेस देन जीरो, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब है हमारा जो सेकेंड इंटरवल है वो क्या हुआ सही, यानी कि सही साबित हो गया, क्योंकि ये कंडीशन में हमने आंसर यानी कि इसमें वैल्यू पुट की इसमें तो उसने सेटिस्फाई किया। अब हमारा रह गया लास्ट या थर्ड इंटरवल। चले अब हम थर्ड इंटरवल की बात करते हैं। अब लास्ट इंटरवल जो हमारा बनेगा वो बनेगा टू कोमा इन्फिनिटी, यानी दो से लेके इन्फिनिटी तक। अब इसके में से हम कोई भी नंबर ले सकते हैं दो से लेके यानी कि तीन चार पाँच छः सात आठ सौ दो सौ जो भी ले लें, तो हम यही वाली इक्वेशन को लेते हैं, इस इक्वेशन को लिखते हैं यानी कि एक्स स्क्वायर जमा चार एक्स माइनस बारह। तो अगर हम इसको ले लेते हैं यानी कि लेस देन एंड इक्वल टू जीरो, मैं लिख लेता हूँ थ्री, एक्स की जगह क्या इसमें से कोई सा भी नंबर ले सकते हैं इधर ले लेते हैं थ्री,
थ्री स्क्वेयर प्लस फोर इंटू थ्री माइनस ट्वेल्व लेस देन एंड इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा नाइन प्लस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व लेस देन एंड इक्वल टू जीरो, अगेन नाइन आ जाएगा क्योंकि माइनस ट्वेल्व और प्लस ट्वेल्व कैंसिल। तो फिर ये कंडीशन को क्या हो गया, सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि नाइन हमेशा बड़ा होता है जीरो से, लेकिन इसमें आ रहा है लेस। तो यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो भी क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। तो हमारा जो आंसर बनेगा सिर्फ -6.2, हमारा जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये वाला जो हमारा है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो आपको समझ आ गई तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।